आपका फिर स्वागत करता हूँ। इससे पहले जो पार्ट था उसमें मैंने बोर्ड कटिंग किया था। तो बोर्ड कटिंग कैसे होता है, इसमें हम बोर्ड फिटिंग और बोर्ड वायरिंग दोनों देखेंगे कि हमारा बोर्ड फिटिंग और बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, ये उस बोर्ड को मैंने कंप्लीट कर दिया, चलिए उस वीडियो को आप शुरू करते हैं। बोर्ड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे भी था, ये हमारा सॉकेट और ये स्विच के साइज अलग 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 कंपनी का है, इसी के चक्कर में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। ठीक है, बल्कि हमारा जो कटिंग करना था वो हमने किया है, फ्यूज किया है, इंडिकेटर रेगुलेटर है, क्या एक स्विच अलग से मैंने दिया है और एक ही सॉकेट इसके लिए है, तीन एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, अगर इसका वायरिंग का बात किया जाए, ठीक है, अगर मैं हम इसका वायरिंग का बात करेंगे तो हमारा वायरिंग क्या होगा, इसके जितने स्विच के नीचे टर्मिनल हमें मेन देना है, स्विच यहाँ भी एक हमारे पास है, ठीक है, एक स्विच यहाँ है, तो एक यहाँ भी स्विच है हमारे, ठीक है, तो हमारा फ्यूज से एक वायर आएगा, ठीक है, फ्यूज से आएगा इस टर्मिनल में इसके नीचे, और इन सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में शॉर्ट करेगा, फिर एक वायर यहाँ से शॉर्ट करेगा इस सॉकेट में, ठीक है, इस स्विच से इसको ऑपरेट करेगा, और एक पंखा वाला कनेक्शन इसमें हो जाएगा और एक हमारा फ़ैन में जाएगा। इसके साथ हमको ज़रूरत पड़ेगा इंडिकेटर में, ठीक है, इंडिकेटर में भी हमें फेज का ज़रूरत पड़ेगा और न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा, फाइव पिन सॉकेट और इंडिकेटर में। तो इसका वायरिंग करके देखते हैं हमारा इसका वायरिंग होता कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको इन सब में एक शॉर्ट कराना फिट्स का, तो इस टाइप से एक छिलके लूप बना के इसको कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका जगह इसी जगह फेज की जगह इन्वर्टर डालना है तो इस जगह तक आप डालिए, ये दोनों का इन्वर्टर का यूज करना, तो जिस टाइप से फ्यूज इन्वर्टर का वायर आया हुआ है इन दोनों में शॉर्ट करा दीजिए। ठीक है, साथ में नहीं, पर
इसको अच्छी तरीके से एक है हमारा फेज का जो वायर है, ठीक है, फेज का वायर हम शॉर्ट करा थे इस स्विच के सारे नीचे टर्मिनल है। अब ये स्विच ये भी है, ठीक है, वहाँ भी जाएंगे। अब एक स्विच यहाँ से हमको फ्यूज में ले जाना है, तो इस तरह से एक लूप बना लिया था मैंने, क्या करेंगे अब इसको इस जगह कनेक्ट कर देंगे। ये हुआ, और हमारे को इंडिकेटर में जाएगा, तो इंडिकेटर का हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सपोज हम इसको इंडिकेटर में डाल दिए और इस दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए फ्यूज में, तो भी काम बन जाएगा। और यहाँ से ले जाके भी हम इसमें सप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से लेके हम सप्लाई कर देते हैं फिलहाल इस दोनों को। हम ये फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल दे देते हैं, तो क्या हुआ हमारा जो फेज है काम था वो कंप्लीट हो गया। फेज हमारा यहाँ इन करेगा, यहाँ आउट करेगा, एक इंडिकेटर में जाएगा और स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ठीक है। अब रहा हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल का जरूरत कहाँ, एक यहाँ पड़ेगा, ठीक है, इंडिकेटर में, और एक इस जगह पे, तो इसलिए हम छीन लेते हैं और न्यूट्रल का वायर फ्लेम एक हमें यहाँ जरूरत पड़ेगा और हमें एक यहाँ जरूरत था। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है इस सॉकेट में तो मेन को जाना, तो यहाँ एक इससे भी लूप बनाना होगा हमें। क्योंकि हमारा सॉकेट का काम हो गया, ठीक है। ये रेगुलेटर का जो कनेक्शन निकला है उसमें एक वायर आपका इस स्विच से कंट्रोल हो जाएगा और एक वायर आपका जो होगा वो फैन का जो वायर आएगा आपका उसमें चल जाएगा, ठीक है। तो एक को हमको इससे कनेक्ट कर देना है और एक आपका वो फैन में सीधा जाएगा। तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। हमारा जो फेज का वायर यहाँ जाएगा फ्यूज के ऊपर में, न्यूट्रल आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो ये वायर आया हुआ है आप यहाँ भी इसको इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं। बॉडी अर्थिंग का वायर है तो यहाँ आएगा। अगर इन्वर्टर का वायर है, अगर इन्वर्टर में आपको सॉकेट और इसको स्विच को करना है तो आपको क्या करना है, तार को बीच से काट देना है, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल में आपको इन्वर्टर कनेक्शन कर देना है तो आपको इन्वर्टर से वो चल जाएगा। अब क्या करते हैं इसको ट्रायल के लिए और मैं चेक करके देखता हूँ कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं दो वायर लिया हूँ, ठीक है। लाल को मैं फ्यूज में डाल रहा हूँ, फ्यूज की फेज वायर है ये हमारा, ठीक है। न्यूट्रल जो था हम इसको यहाँ भी दे सकते थे, ठीक है। न्यूट्रल का हम यहाँ भी कनेक्शन कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते थे, तो क्या करेंगे फिलहाल अभी यहाँ कर देंगे हम। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब इसको हम चालू करके देखते हैं कि हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही हो गया है, तो हमारा इंडिकेटर जल रहा है। और एक अगर आप भी कुछ यूज करना चाहेंगे आप, ठीक है, तो सपोज मैं टेस्टिंग होल्डर से इसे बल्ब चेक करके देख लेता हूँ कि हमारा जो है वो सही है कि नहीं। ये मैं एक बल्ब ले लिया, हमारा जो सॉकेट में एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, जो हमारा कनेक्शन है वो सही है। तो चलिए, धन्यवाद।